इसी माटी कोट का बच्चा, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर 800 साल पहले से नंगे नागा सिरों को कलमा पढ़ाने वाला कोई और नहीं, वजह नहीं लेकिन किसी के नाम से चमकता है जिसके बालों को भी कभी दिल्ली के लोगों ने नहीं देखा हो, किसी उसकी माँ को कभी घर से निकलते हुए नहीं देखा हो, जन्ना हो सैयदा से लेखा तो उसी माँ की कोख का बच्चा दिल्ली के बादशाह से लेके दिल्ली के चपला सिंह की नमाज पढ़वाने वाला अल्लाह पढ़वाने वाला कोई और नहीं इलाही निसारों की लौलिया के नाम से चमक जाता है। कुदरत का कानून है, चन्ना हो इस्लाम के मुदरिसों की तलखा दिलवाने वाले कौनसी माटी को क्या बचा, इसी जमाने में इसी दौर में हमारी निगाहों ने देखा उसी माटी को क्या बचा का मुर्शिद बन के चमकता है, जिसे अभिमानी कहे जिसे शायर भी कहे, उसके तजवे का कमाल नहीं, उसकी समान का कमाल नहीं, उसकी निगाह का कमाल नहीं, चन्ना होती है नमाज पढ़ने वाली तो बैठे जैसे बच्चों के बुराई सुनाने वाले होंगे, चन्ना होगी योजना में देखने वाली, ना होगी फिल्म सीरियल देखने वाली, ना होगी अपने बच्चे की अल्लाह हो अकबर पे नमाजी बनने नमाजी होंगे तरबियत करने वाली, तो मुआशरे में चोरों की तादाद बढ़ जाएगी, मुआशरे में सानियों की तादाद बढ़ जाएगी, मुआशरे में हराम खोरों की तादाद बढ़ जाएगी, और जब ना होगी कुरान की तिलावत करके अपने बच्चों को दूर पिलाने वाली तो मुआशरे में हुसैन के हुदाओं की तादाद बढ़ेगी, मुआशरे में नमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी। अगर तुम चाहते हो तो मैं नमाजियों की तादाद बढ़े, गाजियों की तादाद बढ़ जाए, जकात देने वालों की तादाद बढ़े, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चे ने कोकार बने, सलाउद्दीन अयूबी के गुलाम बने, हुसैन आजम के गुलाम तुम्हारे बच्चे बने, तो अपने बच्चों को और अपने बच्चों को हुसैन की माँ की सीरत का चांद दिला दे, अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा की कनीज बना दे, यहाँ तूने अपनी बेटी को सैयदा फातिमा की कनीज बनाया तो देख तेरी बेटी को इनाम क्या मिलेगा। मेरे नबी की शहजादी सैयदाए कायनात जिसने सारी जिंदगी दुनिया में पर्दा किया, सारी जिंदगी पर्दे में पसंद की, उस नबी की शहजादी ने अपने बालों की चिलमन को भी कभी किसी नए महरम को देखने नहीं दिया। जब कयामत का मंजर होगा, कयामत तो होगी, वो नबी की शहजादी जब कयामत में लाई जाएगी, अहले महशर को आज़ाद किया जाएगा, ऐलान होगा या जहन्नम से खुद को बचा रखो, वो मैं की सुरूर सको हत्ता तमन्ना फातिमा तो अल सिरात, वो आदि ऐलान करेगा कयामत के दिन, अहले महशर अपनी निगाहों को झुका लो क्योंकि प्रिंसिनाज से नबी की बेटी फातिमा बिनत मोहम्मद का गुजर हो रहा है, जिसने दुनिया में पर्दा किया, जिसने दुनिया में अपने आप को हया में ढाक के रखा, आज वो कयामत में प्रिंसिनाज से गुजर रही है, लोगों की निगाहें झुक गई, लोगों की निगाहों को पर्दों की चिलमन है, नबी की बेटी 70,000 जन्म चली जाएगी। मुस्लिम अगर तुम्हारी बेटियों का पर्दा की, अगर तुम्हारी बेटियों ने पर्दे को अपना लिया तो तेरी बेटी कल कयामत में फातिमा की कनीज बन के जन्नत में चली जाएगी। हमको अपनी शादी में बैठे और सुन रहे हैं, ये तरबियत का असर है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी जी बेशक। जब अच्छी होती है फसल खुद ब खुद अच्छी होती है, और जब जमीन ही खराब है तो फसल तो खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। आज कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे भाई अल्लाह हू अकबर दुनिया में जुर्म अजीम की तरफ पड़ गए, तमन्ना नहीं की मरने की, पता नहीं है मरने का। अभी मेरे के अंदर सोशल मीडिया के जरिए से मैंने देखा कि एक बेटी हर
हल्दी की रस्म में चुनके लगाते लगाते अपने आप को नाचते नाचते मौत की आहोश में आ गया, मौत के सिकंजे में फंस गई। कभी उसने सोचा भी नहीं होगा कि ये मुझको मौत आ जाएगी, यू मैं मौत के आलमा हम लोग के सिकंजे में फंस जाऊंगी। वो तो दुनियादार थी, वो दुनिया की तरफ पड़ी थी, वो कौन है मुस्लिम अगर तूने अपनी कोठी को फातिमा की कमीज बनाया, अगर तूने अपनी कोठी को फातिमा सहरा की सीरत पर चलाया तो तेरी बेटी सारी जिंदगी तुम्हारी रह जाएगी, मगर कभी अपने हया ही नहीं करेगी, कभी बैठी कभी अपने जिसम को नीम बनाना नहीं करेगी। कौन है मुस्लिम की कोठिया आज अल्लाह हु अकबर ये यूरोप का कल्चर करना अपना कर अपने आप को बढ़ाना करती है अपने चेहरों पर ये दुनिया के पता नहीं कौन से लोशन लगा रही है। मैं अपनी उन बेटियों से कहना चाहता हूँ वो मेरी कौन की बेटिया तू लोशन मत लगा तू ब्यूटी पार्लर मत जा बस बस दफा जाने रहमत की बेटियों की सीरत पे अमल कर ले तू पांच वक्त नमाज पढ़ने के लिए पांच मरतबा वुज़ू कर ले जब तू वुज़ू करेगी वुज़ू में हैंड वॉश है वुज़ू में फेस वॉश है अगर तूने पांच मरतबा वुज़ू किया पांच मरतबा वुज़ू करने के बाद पांच वक्त नमाज पढ़ी उसमें लंबा सजदा किया तुझे 10,000 का वो लोशन हुस्न अमला नहीं करेगा जो वुज़ू करने से मिल जाएगा जो तुझको लंबा सजदा करने से मिलेगा। तो दुनिया की तरफ मत बढ़ बल्कि मेरे नबी की शहजादी की कमीज तू बन जा दुनिया दुनिया में हिकमत की मिसाल बनेगी जहाँ अजमत की मिसाल बनेगी तू दुनिया के अंदर लोगों की निगाहों में इज्जत का बाइस बनेगी बाद मरने के मुस्तफा की बेटी की कमीज बनकर जन्नत की हकदार बन जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद तबाह हो गई मेरा भाई तबाह हो गया मेरी कौम तबाह हो गई। कुरान फिर से पढ़ना नहीं आता हम दुनियादार हैं पक्के वाले हमें सिर्फ दुनिया चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से क्या नबी का जिक्र हो लोग अपने घरों में रहे लोग सोते रहे कितनी बदबस्ती की बात है कि लोग सोते रहते हैं नबी का जिक्र होता रहता है मगर अगर आओ या मत आओ नबी का जिक्र तो कल भी था आज भी है और कयामत तक मुस्तफा का जिक्र बाकी रहेगा रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा भले मिट जाए उनके जिक्र को मिटाने वाले उनका जिक्र मिटा था न कभी मिटेगा उनका जिक्र हयात रहेगा उनका जिक्र बाकी रहेगा उनके जिक्र को कोई मिटा नहीं सकता है क्योंकि उनका जिक्र सबसे पहले अल्लाह ने किया है अल्लाह बाकी है अल्लाह हयात है अल्लाह को कोई मिटा नहीं सकता मुस्तफा के जिक्र को कोई भी दुनिया से मिट सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 5 मिनट में 5 मिनट के बाद अपनी बात को खत्म कर दूंगा आप परेशान ना हो मेरे अजीजों शादी के ताल्लुक से ये महफिल सजाई गई जी 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 सुनिए आज तो हम गरीबों से बात नहीं करते गरीबों की महफिल में हम नहीं आते अगर अमीर की महफिल हो ना तो लोग चेहरे दिखाने पहुंचते हैं अल्लाह से डर नहीं है बल्कि इस मालदार अमीर कबीर का खौफ है ये नाराज हो जाएगा ये मालदार साहब हैं ये पैसे वाले हैं अगर इनके यहाँ नहीं पहुंचे तो बहुत सारे काम मेरे इससे जुड़े हुए हैं वो काम मेरे सब नहीं होंगे। ओहो मैं मुस्लिम अल्लाह से डर बंदों का खौफ मत रख बंदा क्योंकि मजबूरी का पुतला है बंदा नींद की नींद जो है उसको मजबूरी है बंदा जो है मजबूरी का पुतला बनाया बंदा भूल से भूल भूल में मुबतला है बंदा कमजोरी का पुतला है नींद बंदे की कमजोरी निस्यान बंदे की कमजोरी भूलना बंदे की कमजोरी दुनिया में दूसरों से लड़ना ये बंदे की कमजोरी जिस अल्लाह को तू मानता है न उससे नींद की कमजोरी है न उससे भूल भूल कमजोरी है न उसको ऊँग आती है न उसको नींद आती है तो इन बंदों के डराने से डर मत जाना और ये मानना के हक है मुस्तफा सच है खुदा दुनिया का कादिर है अगर उन्हें ये माना तो तेरा ईमान मुकम्मल होगा।
निगाहों में निगाह हो डाल कर मौत को गले से लगाएगा, जिंदगी से नफरत करना शुरू। सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीरों को चेहरा भी दिखाना है जी जी, अमीरों की दावत में भी जाना है तो औरतों में मुस्लिम गरीब को कभी अपने दिल से जुदा न करना। सरकार के एक सहाबी हैं, बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, इतने गरीब कि सरकार ने एक दिन फरमाया मेरे सहाबी कैसी जिंदगी गुजर रही है, कैसे हाल है जिंदगी के, और इसकी या रसूल अल्लाह इतनी गुर्बत है, इतनी गुर्बत है। अब ये बातें हो रही थी, जिब्रील आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह आप जिस अपने गरीब सहाबी से, इस जवान सहाबी से मोहब्बत फरमा रहे हैं, ये कल सुहर वाली नमाज के बाद इंतकाल कर जाएगा। अल्लाह अकबर, सरकार का दिल मचल गया, फरमाया मेरे सहाबी बता तेरी जिंदगी की सबसे अजीज ख्वाहिश क्या है, क्या तेरी दुनिया में तड़प रही है, क्या तू चाहता था दुनिया में जो अब तो मिला नहीं। अपने घरों में अच्छे खाने खाने वालों, अच्छे मेवाएं खाने वालों, उसके बाद रब्बी ना शुक्र करने वालों, वो नबी के सहाबी जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिली हो, वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इतनी गुर्बत रही है, इतनी गुर्बत रही है कि कभी गुर्बत की बुनियाद पर मैं मीठा ना खा सका। मुर्गे का खाना खाने वालों, अच्छे खानों में ऐब तलाश करने वालों, सहाबी का कौल सुनो, इतनी गुर्बत रही है, इतनी गुर्बत है, या रसूल अल्लाह कभी मीठा ना खा सका। और दुनिया में दूसरी बड़ी आरज़ू ये है कि मुझे नेक बीवी मिल जाती है। अल्लाह अकबर। इधर जिब्रील आज कर रहे हैं, जिब्रील सरकार की बारगाह में हाजिर हुए हैं, या रसूल अल्लाह आपका ये गरीब सहाबी कल सहर की नमाज के बाद इंतकाल कर जाएगा, कल इसको फौत होना है, कल इसका इंतकाल हो जा रहा है, सरकार की मोहब्बत तो देखो। मेरे सरकार ने फरमाया हो मेरे सहाबी दुनिया में सबसे बड़ी चरी ख्वाहिश रही हो वो मुझको तू बता। कहा या रसूल अल्लाह गुर्बत की बुनियाद पर कभी अम्मी खाना खा सका, इतनी गुर्बत रही है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई नेक बीवी मिल जाए, पाकीज़ा बीवी मिल जाए जिसके साथ मेरा निकाह हो। आज मेरा मुसलमान है, अल्लाह उम्र पर दुनिया में गुनाह करता है, निकाह की तरफ ये नहीं जाता, निकाह को हराम ये नहीं करता। ओ कौम मुस्लिम, तूने जहेज को हराम कर दिया, जहेज इतना इतना पड़ गया मेरी कौम के अंदर, आज बेटियों का निकाह करना बहुत मुश्किल हो गया है। आज कितनी बेटियां ऐसी हैं जो जहेज की बुनियाद पर अपने घरों में बैठी है, जहेज मांगने वालों की शादियों में जहेज का मुतालबा करते हो, जहेज का मुतालबा करना चाहिए नहीं, कभी जहेज का मुतालबा मत करना। चाहते किसी गरीब बेटी को लाके अपने बेटे के निकाह में ले आ, और उसको अपने घर में लाके अपनी बेटी समझ, मुस्तफा जाने मामा खुश होंगे, मुस्तफा खुश हो गए, मेरा रहमान मेरा अल्लाह खुश हो जाएगा, और जिससे मेरा अल्लाह खुश हुआ उसका ठिकाना जन्नत बन जाएगा। चाहे उसको आह मत करो, क्योंकि गरीब की बेटी उसका दिल टूटता है, उसका दिल जो है घसीटता है। काश मेरा बाप भी मालदार होता, काश मेरा बाप भी पैसे वाला होता, जैसे मालदार की बेटी की बोली होती वैसे ही मेरी बोली होती। मैं कहना चाहता हूँ अपनी कौम से, अपनी बेटियों की शादियों को मुश्किल मत कर, अपनी बेटियों की शादियों को आसान कर दे, मस्जिद में जाकर निकाह कर दे, और तू पैसे वाला दामाद मत तलाश कर, बल्कि नवासी दामाद तलाश कर, मुत्तकी दामाद तलाश कर, परहेज़गार दामाद तलाश कर, मुस्तफा का गुलाम तलाश कर, जो तेरी बेटी तलाशुदा होती है। अगर तूने मुस्तफा का गुलाम तलाश
बर्दाश्त किया, सारी जिंदगी भूखा रहेगा मगर अपनी बीवी को कभी तलाक नहीं देगा, अपनी बीवी को कभी अपने आप से जुदा नहीं करेगा। मुस्लिम निकाह को आसान कर लो, निकाह को मुश्किल मत कर। मेरे नबी ने अपने साहबी की आरज़ू को सुना, मेरे नबी का दिल मचल गया। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, ओ मेरे साहबी तेरी जिंदगी की ये सबसे बड़ी ख्वाहिश है तो सुन। मेरे नबी ने सिद्दीक के अकबर को बुलाया, उस्मान गनी को बुलाया, अली बिन मुर्तजा को बुलाया, अली आओ आइए, सिद्दीक यहाँ आइए, उस्मान मेरे पास आइए। बुला के रहा उस्मान, जाओ जाओ घर जाओ, ऐसा हलवा तैयार कराओ, ऐसा मीठा तलाश कराओ, जो ऐसा मीठा तैयार कराओ जो आपके घर कभी ना बना हो, कभी ऐसा हलवा तैयार ना हुआ हो। सिद्दीक के अकबर से कहा, जाओ कुछ बर्तन लेके आओ, कुछ चारपाइयां लेके आओ। एक सहाबी को बुलाया, तेरे पास दो मकान है, एक मकान इसको दो। कहा या रसूलल्लाह हाजिर है। सारा सामान इकट्ठा हुआ, सब कुछ आ गया। मेरे नबी ने अपने उस गुलाम का निकाह मस्जिद नबवी में पढ़ाकर उसको रुखसत किया और कहा, मेरे गुलाम जाओ अपने उस मकान में जाकर अपनी जिंदगी को पसंद करो, अपनी जिंदगी को काटो। मेरे नबी का वो गुलाम निकाह होने के बाद जब अपने सरकार ने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई थी, मेरे सहाबी जाओ जाओ कल तक इस गली में चक्कर लगाने हैं, और जब इस गली से रोने की आवाज आए मुझको इत्तला करनी है, मुझको आगे बताना है। वो सहाबी उस गली में जाते, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ, वहाँ बहारें ही बहारें। जब मेरे सरकार के वो गरीब नौजवान सहाबी अपनी बीवी के साथ उस मकान में पहुंचा, और मकान में पहुंचने के बाद रात का अलंकारी हुआ। जब रात आई उसने वो नीचा खोला, उस नीचे को खोलने के बाद अपनी बीवी को दस्तरखान पर बुलाया, उसको खाना चाहता है। जैसे ही उसको खाने चला, दरवाजे पे दस्तक हुई, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे भूखे को खिला दे, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे भूखे को कुछ अता कर दे। इतनी दर्दमंदा आवाज से वो मांगने वाला अपनी फरियाद कर रहा था कि उसका दिल हिल गया। उसने कहा, है मेरी बीवी, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मांगने वाला खाना मांग रहा है, मैं इसको खाना दे दूँ, इसकी भूख को बढ़ा जा दूं। बीबी ने कहा, मेरे शोहर, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि तुमने कभी मीठा नहीं खाया, तुमको मीठा मिल जाए। कहा, मुझको इतनी खुशी मीठा खाने के बाद नहीं होगी जितनी कि मैं इस गरीब को दे दूंगा तब होगी। ओ मेरे जवान, गरीबों से जुदा होने वालों, ओ मेरे जवान, ओ गरीबों को अपने दरवाजे से भगाने वालों, सुनो सुनो। जैसे ही उस जवान ने वो खाना उठाकर उस गरीब को पेश किया, उसने हलवा खाया, हलवा खाने के बाद रब की बारगाह में हाथों को उठाया और अर्ज़ की, मौला इसको सलामत रखना, इसको आबाद रखना, इसकी जिंदगी को दराज करना, मौला इसको पूरे औलाद अता करना। अल्लाहु अकबर। जब कल ज़ुहर का वक़्त आया, जब नमाज ज़ुहर हुई, नमाज ज़ुहर के बाद सहाबी पहुंचे हैं, अर्ज़ किया, रसूलल्लाह उस गली में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहारे ही बहारे हैं, बहार तो बहारों के पहाड़ टूटे हुए हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार सस्ते में गए रब की बारगाह में, अर्ज़ की, मौला जिब्रील सैयदुल मलाइका है, उसने खबर दी थी कि मेरा ये सहाबी कल फौत हो जाएगा, कल इसका इंतकाल हो जाएगा, मौला क्या मामला है। रब की बारगाह से फरमान आया, महबूब कल तुम्हारे इस बुलाल को, इस सहाबी को इंतकाल कर जाना था पेशल, मगर इसने सबसे कीमती चीज, सबसे प्यारी चीज उठा करके मेरे नाम पे कुर्बान की थी। और जब उस भूखे ने उस हलवे को खाया, मेरी बारगाह में हाथ उठाए, मेरी बारगाह में हाथों को उठा के कहा, मौला इसको सलामत रखना, इसको आबाद रखना, इसकी जिंदगी को तवील कर देना। कहा, मैं वो हूँ, मेरी नामत को कबाना हुआ कि इसने सबसे कीमती चीज मेरे नाम पे कुर्बान की है, और मैं इसको मौत दे दूँ, मैं इसकी जिंदगी को खत्म कर दूँ। मैं वो हूँ, मैंने उस गरीब की दुआ को कबूल करके इसकी मौत को जिंदगी में तब्दील कर दिया है। यानी रब के नाम पर अपनी प्यारी चीज कुर्बान करने से हमको वो मिलता है जो हमारे गुमानों में भी कभी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सुभान अल्लाह। कितने भाई हमारे ऐसे हैं जो जवानी में मौत की सिकंजे में आ गए, उनकी कब्रों के नाम निशान भी नहीं रहे, मामले उनके उनके रब उनको उनके रब को पता है कि उनकी कब्रों में जाम के हो रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, शादी को आसान करो, शादी में मुतालबाए जहेज मत करो। ये जो कौम मुस्लिम ने जहेज को फरोग दिया है, जिसकी तीन बेटियां हैं ना, उस बाप को रात को नींद नहीं आती, उन बेटियों का निकाह करना है, उनकी शादी करनी है। मैं क्या इस कौम के बारे में कहूं जो कौम बेटियों पर जहेज लेती है, जो कौम पैसे मांगती है। पैसे मांगने वालों, जहेज का मुतालबा करने वालों, अल्लाह के खौफ से डर जाओ, अल्लाह का खौफ खा जाओ, अल्लाह से डरो और बेटियों में जहेज मत लो। बेटियों की दुआएं लो, दुआएं, तुम तो उस नबी के उम्मती हो जब बेटियों को काटा जा रहा था, बेटियों को मारा जा रहा था, बेटियों को सीना दरबार किया जा रहा था। तुम्हारे नबी ने बेटियों के सिर पे आकर उसके शफकत रखा। मेरे नबी ने मक्के में ऐलान किया, अब कोई बेटी जिंदा दरगोर नहीं होगी, अब किसी बेटी को दाइन और मरहूस नहीं समझा जाएगा। 25 साल के तुम्हारे नबी ने 40 साल की बेवा के सर पे इज्जत का ताज रखे, औरतों को वो मजा किया कि सातों आसमान से ऊंची जन्नत इसी औरत के कदमों में रखे कहा। और जन्नत को तलाश करने वाले अपने माँ के कदमों को चूम ले, तेरी माँ के कदमों के नीचे वो जन्नत तुझको मिल जाए। मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमारी